जिस कंपनी की जब वो अपना डीएल सर्वर क्रिएट करेगा तो वो खुद से अपनी होस्ट वायर क्रिएट करेगा। होस्ट वायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन से खत्म करके हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी होस्ट वायर की खुद से जुड़ेगा, ठीक है। अगर वो उस कंपनी के डीएल सर्वर को कुछ होता है तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसके होस्ट पर क्रैश होगी ना, उससे साधन की कंपनी बैठेगी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हॉटमेल क्रैश है, हॉटमेल का डीएल क्रैश होता है तो उससे हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हमारे इंटरनेट सर्विस नहीं रुकेगा, कम्युनिकेशन नहीं रुकेगा। अगर हमने गूगल को एक्सेस करना है तो गूगल को हमें एक्सेस कर पाते, ठीक है। तो उन्होंने किया कि उसको करके उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट कर, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले तो उन्होंने इसको कैटेगरीज बनाई थी, जिसमें हमें पूरा यूर नहीं लिखते, जिसको हम पूरी क्वालिफाइड डोमेन नहीं लिखते, ठीक है। पूरी क्वालिफाइड डोमेन नेम किस तरह लिखा जाता है, किस तरह डब्ल्यू डॉट आप लिख लें, microsoft.com आगे भी आपके साथ कर डॉट आगे, ठीक है। फर्स्ट लेवल का डॉट है वो क्या कहलाता है, वो डोमेन का लेवल। उसके बाद जो कॉम वाला वो कॉम लेवल है, microsoft जो है वो उसका सेकेंड लेवल है, और जहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू वो क्या है वो होस्ट वायर, ठीक है। तो ये चार एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, वो ये डॉट को डॉट एक रूट, इसको कहते हैं रूट लेवल। कॉम जो है टॉप लेवल है, फोन जो है वो टॉप लेवल है, जो गूगल है वो सेकंड लेवल है, और डब्ल्यू 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 होस्ट होस्ट लेवल है, होस्ट लेवल है, होस्ट ये उनको वर्कस्टेशन पे होस्ट फाइल होती है, ये बड़ी भी पता हुआ है सर्विस से वर्कस्टेशन पे होस्ट फाइल जो हमारी विंडो सर्वर में जो है वो भी होस्ट है, ये वही होस्ट फाइल असल में, ये वही होस्ट फाइल।